तो वेलकम बैक टू दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों पठान को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया, खास तौर से एडवांस बुकिंग को लेकर। जी हाँ, एडवांस बुकिंग इस मूवी की इतनी ताबड़तोड़ चल रही है जो कि मुश्किल ही शायद हमने अपनी इस एज में देखी होगी किसी मूवी की इतनी खतरनाक एडवांस बुकिंग। यार लास्ट 3 आवर्स में, मतलब जो पिछले 3 घंटे थे, अभी का टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, मतलब 6 बजे, मतलब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक इस मूवी ने, 5 से लेकर 8 बजे तक, सिर्फ इस 5 से 8 तक 3 करोड़ रुपए के टिकट बेच दिए। और कल से लेके अभी तक, मतलब 24 घंटे इसकी बुकिंग को स्टार्ट हो गए हैं, अभी तक पता है कितना हो गया, 6.5 से 7 करोड़ की बुकिंग तो कर ली है और 18,000 टिकट बेच दिए हैं। ये जब मुझे न्यूज मिली थी 1 घंटे पहले। अब पता नहीं और बढ़ गए होंगे, वो मैं नहीं कह सकता। भाई बढ़ेंगे, शाहरुख खान की मूवी है, क्यों नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है 10-11 करोड़ भी हो गए हो सकता है कि भाई कम भी रहे, वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो मैंने आपको न्यूज बताई वो बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट देता हूं, बिल्कुल भी फेक नहीं देता हूं। यहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा और मिलता है। अब दोस्तों चलते हैं कि जिन लोगों को अभी नहीं पता है, मतलब अभी ये एक अनऑफिशियली अनाउंसमेंट है जो कि पठान की बुकिंग चल रही है, अभी काफी लोगों को नहीं पता है कि इसकी बुकिंग चालू हो गई है। मतलब जिनको पता नहीं है, अभी उन्होंने किया भी नहीं है तो ये हाल है। अगर उनको पता लग गया तो क्या होगा, जरा आप सोचो। मतलब ये है कि अगर ये मूवी 40 करोड़ अपना फर्स्ट डे कलेक्शन कर गई तो शाहरुख खान की ये दूसरी मूवी हो जाएगी। पहली मूवी थी इनकी कौन सी थी भाई, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर इनकी पहली मूवी थी जो 44 करोड़ रुपए का फर्स्ट डे कलेक्शन किया था। अगर ये मूवी 44 से 45 पहुंच गई तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। अगर 40 का आंकड़ा लगा के चल रहे हैं तो ये दूसरी मूवी होगी। तीसरे नंबर पर इनकी चेन्नई एक्सप्रेस थी जो 33 करोड़ रुपए का फर्स्ट डे पर कलेक्शन किया था। चौथे नंबर पे इनकी है माय नेम इज खान, उसका मुझे अप्रोक्सीमेटली याद नहीं है कितना है, लेकिन है चौथे नंबर पे वो। तो भाई देखते हैं कि ये मूवी कितना अच्छा कलेक्शन कर पाती है। अभी तो फिलहाल ज्यादा लोगों ने नहीं किए, धीरे धीरे अभी और भी चल रही है। मैं दिल्ली से हूं, हालांकि मैं जब टिकट करने गया तो मुझे भी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने जोर लगाया फर्स्ट डे फर्स्ट शो का, तो मैं भी देखने जाऊंगा 25 जनवरी को। लेकिन ये नहीं बताऊंगा मैं कहां देखने जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर और आपको पहले ही दिन इस मूवी का रिव्यू दूंगा। तो भाई अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।